नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका अपना दोस्त आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हमने आप लोगों के लिए टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड का चुनाव किया हुआ है। दोस्तों, आज का जो लॉजिक है टाटा स्टील का डिस्कस करने का, 2021 में जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुए थे चार्ट के ऊपर, सेम पैटर्न 2024 में क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये संकेत आने वाले दिनों में क्या दे रहे हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में शैम्पू और एप्पल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप फ्री आपका ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों, आप सभी को विदित है, हर दिन हम आप लोगों के लिए नए नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव करते हैं, शॉर्ट वीडियोज लॉन्ग वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आया करते हैं, जो कि आने वाले दिनों में एक बेहतरीन तेजी देते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपको प्रॉफिट के भी स्क्रीनशॉट स्क्रीन के ऊपर देखने को मिले होंगे, जो भी सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करता है इसी तरह से पैसा बना पाता है। तो दोस्तों, आज हम टाटा स्टील के बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त करेंगे, टेक्निकल पैरामीटर्स को जानेंगे, फंडामेंटल को जानेंगे, चार्ट पे भी लेके चलेंगे, सारी चीजों को एक एक करके बारीकियों से देखेंगे समझेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए सबसे पहले कंपनी के बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, टाटा स्टील की स्थापना 1907 में की गई थी, एशिया की पहली एकीकृत निजी स्टील कंपनी है। कंपनी की मौजूदगी लौह अयस्क और कोयले के खनन तथा प्रसंस्करण से लेकर के तैयार उत्पादों के उत्पादन और वितरण तक स्टील निर्माण की पूरी मूल्य श्रृंखला में देखने को मिलती है। कंपनी का लक्ष्य 2025 तक घरेलू स्टील निर्माण क्षमता को बढ़ा करके 30 MNTPA करना है। दोस्तों, अगर मैं इसके नेटवर्क की बात करूं तो कंपनी के पास 250 प्लस वितरकों और 20,400 प्लस डीलरों का एक मजबूत नेटवर्क है। 100% बेड़े को वाहन ट्रैकिंग द्वारा कवर किया गया है और भारत के 95% जिले को कवर करता है। दोस्तों, अगर मैं इसके राजस्व की बात करूं तो भारत से आप देखेंगे तो 91% का, भारत के बाहर से देखेंगे तो 9% का राजस्व अर्जित होता है। दोस्तों, अगर हम विनिर्माण क्षमताओं की बात करें तो कंपनी जमशेदपुर में एक स्टील प्लांट और केंदुझर उड़ीसा में एक स्पंज आयरन प्लांट का स्वामित्व और संचालन करती है। दोस्तों, अगर मैं वहीं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो आप देखेंगे 2024 में भी सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आती हुई दिखाई दी है। दोस्तों, अगर मैं मार्च 2022 के सेल्स की बात करूं जो 2,43,959 करोड़ के हुआ करते थे, मार्च 2023 में देखेंगे ये सेल्स 2,43,353 करोड़ के देखने को मिले, और 2024 की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे ये सेल्स घट करके 2,29,171 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। अगर हम वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो मार्च 2022 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 63,490 करोड़ के हुआ करते थे, मार्च 2023 में देखेंगे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट करके 32,300 करोड़ के दिखाई दिए, और मार्च 2024 में देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वापस से कमी आई, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 22,248 करोड़ का रह गया। तो दोस्तों, अब बारी आती है इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को जानने की। तो सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जान लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट रेसिस्टेंस की बात करूं 155.10 का है, सेकंड रेसिस्टेंस की बात करें 157.80 का है, थर्ड रेसिस्टेंस की बात करें 159.30 का देखने को मिल रहा है। अब एक नजर सपोर्ट के ऊपर डालेंगे। अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं 150.90 का है, सेकंड सपोर्ट की बात करें 149.40 का है, थर्ड सपोर्ट की बात करें 146.70 का देखने को मिल रहा है। अब एक नजर सिंपल मूविंग एवरेज को पढ़ालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 5 डेज 10 डेज 20 डेज 100 डेज 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज हैं, वो यहाँ पे बेरिश हैं, जो कि यहाँ पे वीक सिग्नल दिखाई दे रहा है। अगर 50 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज की बात करूँ तो आप देखेंगे तो बुलिश देखने को मिल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर डालेंगे, सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन को जान लेते हैं। 1,93,869 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी रेशियो 97.00 का है, डिविडेंड यील्ड 2.32% का है, बुक वैल्यू की बात करें 72.44 का है, फेस वैल्यू 1 का है, प्राइस बुक रेशियो की बात करें 2.14 का है, आरओसी की बात करें 15.49% का है, आरओई की बात करें -4.80% का देखने को मिल रहा है।
अब एक नज़र इन्वेस्टमेंट रिटर्न के ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, शॉर्ट टर्म में तो ठीक ठाक रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। वन वीक में आप देखेंगे तो लगभग 3.5% का निगेटिव रिटर्न है, एक महीनों में 3% का पॉजिटिव रिटर्न, छह महीनों में देखेंगे लगभग 7% का निगेटिव रिटर्न, छह महीनों में 3% का निगेटिव रिटर्न, वहीं 9 महीनों की बात करें तो लगभग 18.5% का पॉजिटिव रिटर्न, बीते 1 सालों में 22%, 2 सालों में 54%, 3 सालों की बात करें तो 10%, 4 सालों में 292%, बीते 5 सालों में 332% का रिटर्न टाटा स्टील ने अपने निवेशकों को दिया हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को डालेंगे, सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग जान लेते हैं, 33.19% की होल्डिंग प्रमोटर की है, DII की बात करें 24.16% की होल्डिंग है, FII की बात करें 19.68% की होल्डिंग है, पब्लिक इन्वेस्टर के पास 22.96% की होल्डिंग है, गवर्नमेंट की होल्डिंग देखेंगे तो 0.01% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम आपको सीधे चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मेरी वेबसाइट भी है www.bigmoneyreward.com, आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारियां देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डेली फ्रेम का चार्ट हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने आपको बताया, यहाँ इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, 18 जून 2024 को 184.60 रुपये का हाई लगने के बाद से निरंतर स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे आप देखेंगे तो लोअर लो लगते हुए दिखाई दिए। दोस्तों जो ऊपर की लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है दोस्तों, स्टॉक इसी को रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, इसको टच करने के बाद से वापस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे 14 अगस्त 2024 को 142.35 रुपये का लो लगता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों धीरे धीरे आप देखेंगे स्टॉक इसी रेंज के अंदर काफी दिनों तक ट्रेड करता रहा, फाइनली जैसे इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जबरदस्त 170.18 रुपये का हाई लगा। उसके बाद से स्टॉक ने वापस यहाँ पे गिरावट दिखाई, क्योंकि मार्केट के अंदर भी काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक भी यहाँ पे प्रेशर में रहा। दोस्तों जो ये लाइन है इसी को ये स्टॉक सपोर्ट लेकर के यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए और आने वाले दिनों में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा तो 2021 का सिनेरियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक आपको 150 से 156 की रेंज मिले तो आप इस स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 140 रुपये का, पहला टारगेट 180, अगर ये स्टॉक 186 के ऊपर सस्टेन करता है तो 190 200 तक के टारगेट आपको टाटा स्टील के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे हमने आप लोगों के लिए वीकली चार्ट प्रस्तुत कर दिया है, जो मैंने आपको बताया 2021 में यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, 153.45 रुपये का हाई लगने के बाद से निरंतर स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों लोअर लो यहाँ पे लगते हुए दिखाई दिए थे, फाइनली आप यहाँ पे देखेंगे जैसे इसको ब्रेक किया सस्टेन किया तो शानदार तेजी यहाँ पे स्टॉक ने लगाया, आप देखेंगे 184 के आसपास का हाई लगा। उसके बाद से सेम पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जो कि मुझे एक अच्छा संकेत लग रहा है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आने वाले दिनों में टाटा स्टील के अंदर एक बेहतरीन पैसा बनाया जा सकता है। दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी स्टॉक के अंदर बाय या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं। किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों अपना और अपनी पोर्टफोलियो का रखिएगा ख्याल, कल मिलेंगे एक नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।